हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं दो फोन लेके आया हूँ जो कि दोनों जियो के कीपैड फोन हैं। इन दोनों फोनों में लॉक लगा है दोस्तों, जिसका पासवर्ड मुझे नहीं पता है। ये मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है और दोस्तों मैं इनका पासवर्ड आज ओपन करके दिखाऊंगा आपको लाइव प्रूफ के साथ में दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आप लोग भी अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप लोग उसको कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत है दोस्तों। ये आप अपने घर में बैठ के ही कर सकते हैं सिर्फ इस फोन की वजह से। कुछ ट्रिक है दोस्तों, बस आपको उसको फॉलो करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो में पूरा बना रहना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप में जो बताऊं वो आप लोगों को समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो दोनों में पासवर्ड मांग रहा है, ये देख सकते हैं, और इन दोनों का फोन का पासवर्ड मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को ओपन करके दिखाऊंगा, दोनों में बिना पासवर्ड के डाल के दोस्तों ये खोल के दिखाऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है फॉरवर्ड करने के लिए, तो सबसे पहले मैं दोस्तों इस फोन को करके दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों इसकी फोन की बैटरी कम है, तो सबसे पहले मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग को इसकी फोन की बैटरी निकाल लेनी है कुछ इस तरह से। दोस्तों बैटरी निकालने के बाद में फिर से आप लोगों को इसमें लगा देनी है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ये रेड कलर की बटन दिख रही होगी और पावर अप बटन दिख रही होगी, तो दोनों को हम लोग साथ में प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लोग साथ में प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, तो आप लोग को रेड वाली बटन छोड़ देनी है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊं तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने इसको प्रेस किया, उसके बाद में वाइब्रेट हुआ, मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोगो आ रहा है लेकिन मैंने ये बटन अप वाली नहीं छोड़ी। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शन आए हैं, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इनमें से आप लोगों को यहाँ पे लिख के आ रहा है स्वाइप डाटा फैक्ट्री, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे करना है क्लिक। उसके बाद में क्लिक करने के लिए दोस्तों अगर आप ओके करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको ये रेड वाली बटन दिख रही होगी तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यस या नो का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप लोग यस करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से मैंने फिर से रेड वाली बटन दबाई और ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे फिर से ये ऑप्शन आ जाएंगे तो आप लोगों को सिंपल सा रीबूट कर देना है सिस्टम को। दोस्तों ये कुछ इस तरह से ये फ़ोन, अब इसका पासवर्ड खुल चुका है। तो दोस्तों ये तो हुआ फर्स्ट फ़ोन का मेथड, दूसरे का दोस्तों चेंज है, तो दोस्तों दूसरे को भी मैं आपको बता दूं। जब तक ये ओपन हो रहा है दोस्तों आपको मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि ये ओपन हो रहा है, पासवर्ड मांगेगा या नहीं, तो दोस्तों मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको। मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोग वीडियो फेक बनाते हैं, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे जिसमें कोई पासवर्ड इस टाइम नहीं लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और दोस्तों अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि जो सेकंड वाला है फ़ोन उसका मेथड बहुत ही अलग है, इसके जैसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप लोग का अगर वो मॉडल होगा तो आप लोग अपना फ़ोन का पासवर्ड नहीं खोल पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें। दोस्तों ये जब रीसेट होता है इसका पासवर्ड तो टाइम लेता है, तो आप लोग को उसके उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका साउंड आ चुका है, अब ये ओपन भी हो जाएगा, तो वेट करते हैं ओपन होने का। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया, मैं लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, फिर से एक्सेप्ट करता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉक खुल चुका है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसका लॉक खोल सकते हैं। और जो दूसरा फ़ोन है दोस्तों उसका भी मेथड मैं बता दूँ कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसकी भी बैटरी निकाल लेनी है, मैंने इसकी बैटरी पहले से निकाल के रख ली है, तो मैं इसमें बैटरी इसको लगा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप लोग को क्या करना है, ये रेड बटन और इसकी पावर अप बटन साथ में प्रेस करनी है, लेकिन दोस्तों इसका मेथड थोड़ा चेंज होगा तो मैं उसको बताने के लिए दोस्तों आपको वीडियो देखनी होगी। तो दोस्तों ये रेड और पावर अप बटन साथ में प्रेस करूँगा, ये भी वाइब्रेट होगा, इसको रेड वाली छोड़ दूंगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो काम करना है वो भी मैं आपको बता दूं, कोई भी ये नहीं बताएगा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नो कमांड लिख के आया, उस फ़ोन में ये मेथड बिल्कुल नहीं आया था, इसमें दूसरा चीज़ आई है दोस्तों नो कमांड। तो ये कमांड लेने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को ये बटन दिख रहा होगा कॉलिंग के ऊपर वाला, और दोस्तों ये रेड वाले के ऊपर वाला बटन दिख रहा होगा जिसमें जियो लिखा है। दोस्तों आप दोनों को साथ में प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से, एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार जैसे करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, स्वाइप डाटा फैक्ट्री एंड रीसेट पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से। इसमें दोस्तों आप लोग ओके का बटन दबाएंगे हो जाएगा, आपको रेड बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद में दोस्तों ये भी आपसे पूछेगा यस या नो, तो आप लोग को यस करना है, उसके बाद में ओके कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिखाया भी जाएगा कि आपका जो डाटा है वो फॉर्मेट किया जा रहा है, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे, आपके में जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी सही कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से हो चुका है, अब इसको हम लोग रिबूट करते हैं, और जैसे ही रिबूट करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से ये बूट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये बूट हो रहा है, ये मैक्सिमम एक मिनट में ऑन हो जाएगा, और आप लोग देख सकेंगे कि इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा है। तो दोस्तों ये मैं लाइव करूंगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे भाई इसने वीडियो स्किप करके इसका पासवर्ड पहले से डाल दिया, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। दोस्तों ये उस फ़ोन से जल्दी ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई और भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो वो भी सही हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जैसे हैंगिंग प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम या बूटिंग प्रॉब्लम, ये सब आप इस मेथड से सही कर सकते हैं, आपको कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे डिजिटल लाइफ लिख के आ गया है, और यहाँ पे अब इसका साउंड भी आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों साउंड आने के बाद में ये बस मैक्सिमम 10 सेकंड में ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लैंग्वेज पूछा इसने, मैं फिर से इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जितना भी पासवर्ड लगाए थे वो सारे खुल चुके हैं, कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है। मैं दोनों फ़ोन आपको दिखाना चाहूँगा, दोनों पे पासवर्ड नहीं लगा है, ये देख सकते हैं कोई पासवर्ड नहीं है, मैंने दोनों रीसेट करके दिखाया आपको। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।